नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची। आज बिहार विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी आक्रोशित नजर आए। बता दें, आज सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई सवाल किए और नीतीश कुमार को अपने घेरे में लिया। वहीं उन्होंने सबसे पहला सवाल ये किया कि जब कोरोना काल था तो पिछली सरकार में ये बातें रखी गई थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी कि जो कोरोना को मॉनिटर करे, बिहार में कोरोना पर कैसे काबू पाया जाएगा वो ये सब चीज को मॉनिटर करे। लेकिन जरा गौर तलब फरमाइए, विडंबना देखिए, जरा नई सरकार बन गई लेकिन कमेटी का अब तक कुछ अता पता नहीं है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, आज तेजस्वी यादव सदन में काफी हंगामा किया, उन्होंने एक के बाद एक कई सवाल किया नीतीश कुमार से, निजी हमले किए नीतीश कुमार पर। और इसके साथ ही साथ आज अचानक से वो सदन में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जरा मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि क्या पता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी सदन में से बाहर निकल जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। छोड़ जाते हैं हम आपको तेजस्वी यादव के उस वीडियो के साथ। हम लोगों ने मांग की थी कमिटी बनाने की, मुख्यमंत्री जी यहां है, पूछे कमिटी बन गई क्या। उस समय के स्पीकर विजय चौधरी जी हैं, कमेटी बन गई क्या, ये तो सरकार की गंभीरता दिखाती। गलती किसकी है, विजय चौधरी जी की या नीतीश कुमार की? क्यों नहीं बनी कमेटी? ये गंभीरता आप लोग दिखा रहे हैं सिर्फ कहने के लिए, और करने के लिए जब काम आता है तो कोई काम भी नहीं कराई जाती। तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब सदन में ही झूठ बोला जाए तो उससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मार्क्स की बात सदन के लिए कमेटी से मार्क्स को मत जोड़ें, मार्क्स आवश्यक है और संदेश हम सब मिलके दें, ये आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, मास्क हम लाते हैं, अच्छी बात है। हमने तो यहाँ के लोगों को कहा कि सभी सदस्य को मास्क उपलब्ध करा दें, जो नहीं ला सके भूल गए। आगे आगे शांत बैठ जाइए, अब आप लोग बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष के विषय को सुने। क्या है व्यवस्था? अब अध्यक्ष महोदय, संरक्षण, अब झूठ शब्द असंसदीय है, वो देख लिया जाएगा, बैठ जाए, कृपया सुने, और देख लिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा, चलिए बैठ जाइए, आगे आगे आगे। अब शांति बनाए रखें, एक नई परिपाटी देखिए ढंग से।